जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी सरस्वती। इसी तरीके से हम बाकी भी जो है आजकल नए नए जो है मिसाइल जो आ गई है उनकी यूनिट्स अलग बन गई है, उनका सभी का एक मात्र जो उनका रोल क्या है कि इन्फेंट्री को सपोर्ट करना ताकि हम दुश्मन का जो है एरिया को कब्जा। और ऑर्डर मिले तो दूसरे जाके जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया या पीओजे की बात चल रही है कि हम उसको लेंगे, हमारे जनरल साहब ने कहा था कि हम तैयार हैं, जब भी सरकार ये फैसला करेगी तो हम तो तैयार हैं, इस प्रकार की उन्होंने बात कही थी। तो फौज जो है वो गवर्नमेंट में, और ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट जो हमारी असेंबली है, बाकी कई देशों में अलग अलग सिस्टम है, तो हमारी जो है गृह मंत्री अमित भाई शाह उनको जो न्योता देंगे। तो ये कार्यक्रम था, ये हमारा जो पूरे जम्मू प्रोविंस में जो टूर हुआ है, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, सभी पूरा जम्मू जिला हमने करके, आज कठुआ की बारी थी, इसके बाद हम बसोली जो पार्टी का जिला है उसमें जाएंगे। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम था। देखिए प्रॉपर्टी टैक्स ये समझना पड़ेगा, ये टैक्स एक तो शहरों में है और पूरे देश में है, कुछ लोग इसको यूटी के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पंजाब में है, हिमाचल में है, और ये नॉमिनल है, बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, साल में एक बार देना है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा साल में 1000 रुपया 1500 रुपया जो भी इसका होगा वो भी उन लोगों को जिनका शहर में 1000 स्क्वायर जो फिट है उससे ज़्यादा का जिसका घर है, अगर छोटे घर में एक मरले में, दो मरले में, तीन मरले, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो दुकान है, दुकान भी छोटी दुकान इसके दायरे में नहीं आएगी। तो जो मिडिल क्लास है जो दे सकते हैं, साल में अगर कोई आदमी 500 रुपया हम रिचार्ज भी करवाते हैं जैसे कल एलजी साहब कर रहे थे, तो इसलिए उसका लोगों को पैनिक ही नहीं होना चाहिए। और ये जो पैसा है सरकार नहीं ले रही है, और कठुआ में जो और टैक्स लगेगा तो कठुआ म्यूनसिपल कमेटी के पास जाएगा, अगर नगरी में होगा तो नगरी के उसके खाते में जाएगा, तो वहाँ लोगों की डेवलपमेंट होगी। और क्योंकि ये टैक्स जो है ये पूरे देश में है, जम्मू कश्मीर में पहले लगता था लेकिन बीच में चाहे उग्रवाद के कारण किस तरह से बीच में उग्राही नहीं हुई है, लेकिन दोबारा से फिर से जो है इसको करने की कोशिश की गई है। एक बहुत बड़ा लाभ होगा, कई प्रकार के लोगों के घर हैं, तो अगर वो टैक्स सरकार लेगी तो उनका एक मोहर लग जाएगी पे, ये घर जो है जिसके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क हैं वो भी इससे जो है ठीक हो जाएंगे, प्रश्न जो है ठीक हो जाएंगे। देखिए इसमें अगर अवैध कॉलोनी है तो उसके ऊपर प्रोसेस शुरू होगा, कुछ ना कुछ जो है हो सकता है उससे कोई रास्ता निकले, जब सरकार के लोग जाएंगे पे यहाँ टैक्स के बारे में करेंगे तो डेफिनेटली उन कॉलोनियों का क्या है जो भी है चर्चा होगी, उसके बारे में चर्चा होगी तो हो सकता है। देखिए आतंकी गीदर भभकियाँ देते हैं, आज नहीं पिछले 30 सालों से, उससे पहले से ही, मुझे याद है अलफतह एक बारी हुआ था जब शेख अब्दुल्ला के साथी थे, उन्होंने भी इस प्रकार का बैंक लूटा था, तब से है। तो ये रूटीन की बातें हैं, धमकियों से थोड़ी निकलेगा, वो कायर भाग रहे हैं, भागते भागते गरीबों को मार रहे हैं, किसी रजनीवाला को मारेंगे, किसी अमरीना भट्ट को मारेंगे, किसी राहुल भट्ट को मारेंगे, और भागते हुए कायर लोग हैं, तो इसलिए उनकी धमकियों को कोई असर नहीं है। और वो जो धमकी देने वाला सामने आएगा जा खुद जो है उसको अंजाम तक पहुंचाएगी हमारी सुरक्षा बल। डॉक्टर साहब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विपक्ष का ये कहना है कि पहले से महंगाई की मार जो है लोग झेल रहे हैं, उसके बाद इस तरह का प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पर थोपना कहीं ना कहीं सही है। मैं विपक्ष को कहूँगा क्या वो पंजाब में या हिमाचल में वो उसको विड्रॉ करेंगे क्या? और ये नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, गरीब इसमें नहीं आता, गरीब इसमें नहीं आता, 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको देना पड़ेगा, वो भी साल में एक बार, अगर होगा मुझे 200-300 रुपया एक जो उसमें हो जाएगा महीने का।